हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक डेरिवेशन देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का आइसोथर्मल प्रोसेस में। प्रूव दैट द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज पी वन वी वन लॉग ई टू द बेस वी टू अपन वी वन। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स क्या होता है कि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है, टी वन इज इक्वल टू टी टू। जनरल गैस इक्वेशन जो हमें मालूम है वो है पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। तो उससे टी वन एंड टी टू कैंसिल हो जाएंगे तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। अब इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन पी डी वी। अब इक्वेशन नंबर वन से हम क्या करेंगे कि पी की वैल्यू हम पी वन वी वन और वी के रूप में रखेंगे, पी वन वी वन अपॉन पी डी वी फ्रॉम इक्वेशन वन। तो पी वन वी वन को बाहर निकाल लेंगे, कॉन्स्टेंट वन अपॉन बी डी वी। पी वन वी वन वन अपॉन बी डी वी का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग वी टू द बेस ई। अब लिमिट इसमें वी वन टू वी टू है, तो पी वन वी वन बाहर निकाल के लॉग वी टू द बेस ई माइनस लॉग वी वन टू द बेस ई, क्योंकि हमें मालूम है लॉग सी माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए अपॉन बी। तो पी वन वी वन लॉग टू वी टू अपॉन वी वन टू द बेस ई, ये इसका डेरिवेशन है। थैंक यू फ्रेंड्स।